हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेके आए हैं अक्टूबर का, गाइस, आपका मंथली मैग्स एंड विजन से एनवायरनमेंट सेक्शन। होपफुली गाइस, आपके जो चार सेक्शंस है, सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ पर जाकर इसको डेफिनेटली आपको मिलेंगे और आपको एक अच्छा एक क्रैक्स मिलेगा कि क्या क्या इस बार के आर्टिकल्स रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट सेक्शन में आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के बारे में। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस क्या होता है, क्यों इसके बारे में बात की जा रही है, ये सारा डिस्कशन इस टॉपिक में चलेगा। देखो, इसमें बता रहा है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस में एक कोलिशन हुआ, ठीक है, जिसके चलते क्या बोला गया कि भाई हम एक डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो इनकी रिपोर्ट होती है गाइज, याद रखना, ये रिपोर्ट अपनी फाइनली निकालते हैं, यानी कि 2 साल में एक बार ही अपनी रिपोर्ट को निकालते हैं, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। तो इस बार इसका जो टाइटल थीम था वो था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड, ठीक है। अब समझने की बात है, दो शब्द हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आए, वो आए इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंस। देखो, किसी भी देश का या बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिफाइन करते हुए बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जहाँ पर असेट्स हैं, जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है, वो सर्विसेज दी जा रही है जो सोसाइटी इकोनॉमिकली किसी कम्युनिटी किसी सोसाइटी को हेल्प करती है सोशली और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर। दूसरा शब्द हमने देखा रेजिलियंस, तो रेजिलियंस का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी पैदा करना जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाएँ, रजिस्ट कर पाएँ, ऑब्जॉर्व कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ, रिस्पॉन्ड कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ पॉजिटिवली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, कई सारे जो रेंज के ऑफ रिस्क हैं उनको रोक पाएँ हम, और एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ मेंटेन कर पाएँ, चीज़ों को ठीक ढंग से चला पाएँ। जैसे गाइस, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करा जा रहा है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वाटर की फैसिलिटीज सभी को सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग हाइजीन वाटर मिल पाए, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। रेजिलियंस इसमें क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है कि पानी की समस्या में कुछ भी, पानी का खराब होना या उसमें पोल्यूशन आना, ये सब चीज़ों को भी हम रिकवर कर पाएँ, तो दैट इज़ रेजिलियंस, ठीक है। अब डायमेंशन की अगर बात की जाए तो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हम हजार्ड इवेंट्स एंड शॉक से इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा पाएं। और आप देखते ही हो, जोशीमठ क्राइसिस चाहे आपने देखा हो, नेपाल में अर्थक्वेक देखा हो आपने, या अभी उत्तरकाशी का आपने सुना हो, तो इन सभी में आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की इस समय ज़रूरत है जो कि रिजॉल्व कर पाए और रिस्पॉन्ड रिकवर कर पाए हजार्डस इवेंट्स और शॉक से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस का मतलब है जो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स को ठीक कर पाए। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क एंड नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर आता है ऑब्सोलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी कंट्रीज, पर्टिकुलरली दोज दैट इंडस्ट्रियलाइज प्रायर, जो आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले की जो कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, उनको बेहद ज़रूरत है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उसको रिप्लेस कर पाए, ठीक है। सेकंड जो ज़रूरत है जिसमें नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस बताई जा रही है, वो है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लोअर इनकम कंट्रीज का, वो किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बना हुआ है, यानी कि जो उनकी प्लानिंग डिज़ाइन है, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड है, उनके कंप्लायंसेस उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए तीसरी चीज़ है सिस्टमिक रिस्क जो हो रखा है। देखो, आप जानते ही हो, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा इस समय एक समस्या बना हुआ है, और हमारे प्लानट अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेटन भी है, हमारे हैबिटेबल, हमारे हैबिटेट्स पर भी सवाल उठता जा रहा है। तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हम कर कर आए हैं, हमने रैपिड ट्रांजिशन की बात भी करी है, हमने कहा है भाई हम जीरो नेगेटिव एक इमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इन सब वजह से ही गाइस आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि इसमें डेवलपमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, कि इन्वेस्ट करना है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर पाएँ, कुछ ऐसा सेटअप तैयार करें हम जो क्वालिटी एंड डिपेंडेबल एसेंशियल सर्विसेज को करेक्टराइज है, हम डैमेज को रिड्यूस कर पाएँ, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को हम कर पाएँ, SDG गोल्स को हम फुलफिल कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट की बात कर रहा है, कि रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो आप अच्छे से कर पाएँ, उसमें हमने इतना मैग्नीट्यूड ऑर्डर उसका अच्छा हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस की यहाँ बात हो रही है, कि रिसेंट ऐसे एस्टिमेट एनुअल इन्वेस्टमेंट पे दिखाए गए, जिसमें बोला जा रहा है कि एड्रेस की जाए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को। और हमारा देखो 2023 तक, तो हमें 2023 की बात करें, 2030 तक हमारा ये काम है कि हमें SDG गोल्स को भी अचीव करना है,
हमने ये भी कसमें वादे खाए हैं कि अचीव करेंगे हम नेट जीरो बाय 2050, हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 9.2 डॉलर ट्रिलियन हो रखा है। तो कमिंग ईयर्स में माना जा सकता है जस्ट 4 कंट्रीज़ में 50% टोटल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर काम करेंगी, जैसे कि चाइना, जापान, इंडिया और USA। ठीक है, अब इसी से जुड़ी गाइस इस पूरे आर्टिकल में एक टर्म आती है जिसको हम बोलेंगे नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये समझो ये क्या है। देखो, एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी, बायोडाइवर्सिटी, इस पर काम अच्छा हो पाए और इससे रेजिलियंस स्ट्रेंथन हो पाए। ठीक है, तो इसमें पहला ही फैक्टर है गाइस सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कॉम्प्लीमेंट करके यूज़ करना है हमारा जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे पहला काम हमारा वही है कि हमारा जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ठीक ढंग से ठीक कर पाएँ। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है का मतलब कहें जो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, रिजिलियंट हो जाती हैं कुछ चीज़ें, या आप कह लो कि ऑब्सोलीट होती जा रही है नेचर में, तो ऐसी चीज़ों को ठीक करना भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम ऐसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम समझ पाएँ, उसको देख पाएँ। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगा लो सारे जितने भी गटर्स होते हैं, ड्रेन्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, है ना। तो जो हमारा ट्रेडिशनल स्टॉर्म वाटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको ही ठीक ढंग से बनाना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको वाटर का ट्रेडिशनल स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया। ठीक है, उसके बाद लो कॉस्ट की बात है। यहाँ पर लो कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितने भी आपके NBI से हैं, यानी कि जो आपके नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस हैं, वो हम ज़रूर करें। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कम से कम 51% पैसा लगाएं, लो कॉस्ट हम इसके इस्तेमाल करें ताकि ऐसा हो पाए। फिर कार्बन इमिशंस को कम करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स को भी हम देखते हुए चलें कि हम वुमेन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं हमारे डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस में। जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज हैं वहाँ पर भी वुमेन को बैठाएं हम। तो ऐसा पोटेंशियल यहाँ हम कह सकते हैं कि 59 मिलियन जॉब्स हैं 2030 में जो क्रिएट हो रही हैं, और वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस बेसिकली अगर हम चाहते हैं SDG गोल्स का बढ़े तो वो भी यहाँ पर गाइस इस तरह से दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट तरीका बताया हुआ है कि चैलेंजेस क्या आते हैं नेचर बेस्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन बनाने के लिए चैलेंजेस। पता है सबसे पहला चैलेंज क्या आता है? नॉलेज रिक्वायरमेंट। जो ट्रेडिशनल इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, दे डू नॉट नेसेसरली पजेस दिस न्यू इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज वगैरह, स्किल सेट नहीं है उस तरह का। तो सबसे पहली समस्या क्या आ रही है? नॉलेज की रिक्वायरमेंट का ना होना। फिर लैक ऑफ रिसर्च एक प्रॉब्लम है कि रेयरली कैन वन कैन फाइंड रिसर्च एंड इट क्वान्टिफाइज इको सिस्टम सर्विसेज, या नेचर बेस्ड वैल्यू सिस्टम ही है, फैसिलिटेट सिर्फ वो इतना इन वे ऐसे ही कर पा रहे हैं, मतलब रिसर्च की दिक्कत है कहीं ना कहीं। फिर आपके पास क्रेडिबल एंड रोबस्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो रिस्क असेसमेंट ठीक से करा नहीं जा रहा है, तो रेजिलिएंस कहाँ से होएगा। पॉलिटिकली अनअट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं ये, क्योंकि अपॉर्चुनिटी प्राइवेटाइज प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होने की वजह से ये दिक्कत करता है। जेस्टेशन पीरियड इनका बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्विक एक्शन चाहिए होता है, लेकिन इसको करने में जेस्टेशन पीरियड थोड़ा कम लगता है, इस वजह से बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ों में। फिर इंटीग्रेटेड NBIs का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी कि आपको ये कह रहा है कि केयरफुली रिव्यू करो, अप टू डेट चीज़ों को रखो। उसके बाद ये कह रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो आपकी लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको क्या चाहिए कि वो नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाएं, वो आउटकम लिंक करके चेक करें कि क्या SDG के साथ ये मैच कर रहा है, क्या हम इसको कर सकते हैं। इफेक्टिव लेजिस्लेशन तैयार करें ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो पाए जिसमें ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हो। रेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए वेरीफाइड एग्जाम्पल को लेते हुए गुड प्रैक्टिसेस करें। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमारे पास एक गृह है, यानी कि जो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट्स असेसमेंट इंडिया ने बनाया ना, कि ये हमने एक तैयार करा हुआ है इस चीज़ को चेक करने के लिए, हैबिटेट असेसमेंट करने के लिए, रिस्क फैक्टर उसके सारे जानने के लिए। उसके बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है कि प्रिस्क्रिप्टिव जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हो, ग्रेटर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम करें, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का ध्यान रखते हुए काम किए जाए। तो लॉन्ग डिज़ाइन जो आपके लाइफ साइकिल्स हैं, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं, वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर बताई गई है, ताकि हम कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को गाइस हटा पाएं। तो यानी कि सोचो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना आज की डेट में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस, जैसे आप पूरे इस आर्टिकल में समझ लो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में, जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, क्लाइमेट की रिस्क को रोक पाए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोक पाए। ठीक है, ताकि हम हर तरह से सुरक्षित रह पाए, हमारा हर स्पीशी सुरक्षित रह पाए।
नेक्स्ट आर्टिकल जो आप आज को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसको ग्लॉफ कहते हैं, डेट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स फ्लड। ठीक है, यहाँ छोटा सा एक फैक्ट दिया हुआ है, लाचिनचू रिवर एंड लाचुंगचू मीट एट छुंगतांग टू फ्लो डाउन एस तीस्ता रिवर, ये बताया गया है। देखो सिक्किम ने विटनेस किया है ग्लेशियल लेक आउटबर्स फ्लड क्योंकि यहाँ पर ये सदर्न बैंक ऑफ साउथ लोनक लेक में ये आउटबर्स्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले समझो सिक्किम का जो फ्लैश फ्लड आया था उसका कारण क्या था। देखो सिक्किम का जो डिजास्टर है वहाँ पर आपने देखा बड़े सारे कैटेस्ट्रॉफिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से सिक्किम में ये फ्लैश फ्लड देखने को मिली। ठीक है, सबसे पहला रीजन था, सबसे पहले तो देखो आप यही समझ लो कि फ्लैश फ्लड होती क्या है। आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश फ्लड क्या होती है। तो फ्लैश फ्लड का गाइस मतलब होता है ऐसी रेनफॉल, इतनी हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो जनरली 6 घंटे या उससे कम में चलती रहे, इतनी देर तक होती रहे। तो फ्लैश फ्लड ज़्यादातर क्यों होता है गाइस? ज़्यादातर रेजिंग टॉरेंट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी रिवर होने की वजह से, अर्बन स्ट्रीट्स की वजह से, माउंटेन कैनन्स के स्वीप करने की वजह से, तो ये सारे फ्लैश फ्लड होते हैं। तो मतलब समझ लो आप 6 घंटे तक अगर कोई हैवी बारिश आती रहे तो वो समझ लेना, और थंडर स्टॉर्म्स के साथ अगर आए एक्सट्रीमली तो समझ लेना ये फ्लैश फ्लड है। ठीक है, अच्छा फ्लैश फ्लड बेसिकली स्लो मूविंग थंडर स्टॉर्म से होते हैं। अगर थंडर स्टॉर्म रिपीटेड एरिया में, सेम एरिया में रिपीटेडली चलते रहे हैवी रेन के साथ तो फिर वो हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब फ्लैश फ्लड में याद रखना इसमें ऐसा भी हो सकता है गाड़ियाँ भी ऐसी उड़ जाएँ, पेड़ सारे उखड़ जाएँ, बिल्डिंग टूट सकती हैं, ब्रिजेस टूट सकते हैं, इतनी खतरनाक फ्लैश फ्लड गाइस होती है। ठीक है, तो अब इसके जो फैक्टर्स थे ये याद रखना फ्लैश फ्लड में, सबसे पहला जो फैक्टर है फ्लैश फ्लड का वो है ग्लेशियर मेल्टिंग। सिक्किम का जो साउथ लोनक लेक है वहाँ पर ये कहाँ सिचुएटेड है, हाई एल्टीट्यूड ग्लेशराइज रीजन में ये सिचुएटेड है, यहाँ पर एक्सिलरेटेड मेल्टिंग हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेक यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेंड करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये रीज़न है फ्लैश फ्लड आने का। सेकेंड रीज़न है ग्लोबल लेक आउटबर्स फ्लड में कि प्रेशर एंड जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो लीक है, जो लेक है वो उसकी बाउंड्री को तोड़ती जा रही है। तो यहाँ पर यानी कि एक्सेसिव रेनफॉल है, क्लाउड बर्स्ट है, डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स हैं। तो ग्लॉफ क्या है? ग्लॉफ बेसिकली ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड है, एक सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जहाँ पर कोई ग्लेशियर लेक यहाँ पर बर्स पूरी तरह होती है, इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज करता है, रॉक डेब्रिस ये सारी फैल जाती है। फिर एक डैम है छुंगथंग डैम, फ्लड वाटर्स यहाँ पर पहुँच चुका है, तीस्ता का जो थर्ड हाइडल प्रोजेक्ट है छुंगथंग आपका जो लाइचन रिवर से जा रहा है वो बहुत बुरी तरह से गैस वर्सन होता जा रहा है, इतना पानी वहाँ डैम में भर गया है। इस चार कारणों की वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग हो, चाहे वो साउथ लोनक लेक की या ग्लॉफ इवेंट हो, एक्सेसिव क्लाउड बर्स्ट की वजह से सारा का सारा फ्लैश फ्लड बढ़ता है, या आप कह सकते हो छुंगथंग डैम की वजह से, इस सारे कारणों की वजह से सिक्किम में इतना बड़ा फ्लैश फ्लड देखने को मिला। अब हम दो बातों को समझते हैं कि ग्लेशियर लेक और जो ग्लॉफ है उसका कनेक्शन कैसे कैसे है। देखो ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं, लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो आपके बीनीथ ऑफ मेल्टिंग वो ग्लेशियर से निकलती हैं। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है ये और डेंजरस होती चली जाती है, अनस्टेबल आइस हो जाती है क्योंकि उसका यू नेवर नो उसमें रॉक्स लूज कर जाएंगे, डेब्रिस उसके सेडिमेंट्स बाहर निकलने लग जाएंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है, ग्लेशियर सारे रिट्रीट हो रहे हैं, ग्लेशियर जो लेक्स है वो अपनी साइज एंड नंबर में एक्सपेंड करती जा रही है। फिर कह रहा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड के बारे में समझें, जो सडन रिलीज करता है इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्लेशियर लेक में रिटेन था। अच्छा इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा होता है, आपके इफेक्ट ये पड़ रहा होता है कि डिजास्टरस अटैक पर आपके पड़ते हैं, वायलेंट मूवमेंट होने लग जाती है, अनएंटिसिपेटेड करेक्टर हो जाता है, पीक डिस्चार्ज होएगा फास्ट, ये सब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आपके ह्यूमन लाइफ्स में देखने को मिलता है, उनकी लाइवलीहुड, उनका वाटर सैनिटेशन सब बेसिक सब सारी उजड़ जाती है, इनहैबिटेशन समझो तो वो पूरा उजड़ जाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम वो उजड़ जाता है, लैंडस्लाइड बहुत कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो जो ग्लॉफ वल्नरेबिलिटी इंडिया में आ रही है उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो याद रखो ग्लॉफ वल्नरेबिलिटी के बारे में कि रिसेंट एक स्टडी हुई ICI MOD रिपोर्ट निकला हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट में, इन द इवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस 2100 तक बढ़ गया है। तो ग्लेशियर्स आर सेट टू लूज 30-50% ऑफ देयर वॉल्यूम अगर आप 2015 से कंपेयर करोगे। 9 मिलियन लोग हाई माउंटेन सी में जो सराउंडेड हैं आपके त्यानशेन ये सारे वल्नरेबल वहाँ पर, तो मतलब उनकी वल्नरेबल हालत है कि कभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होगा उनके साथ क्या होगा रब जाने। तो इंडिया में भी एटलीस्ट 3 हाईली
डिवेस्टेटिंग लॉस इवेंट हुए हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में लास्ट डिकेड्स में, चाहे वो 2013 का केदारनाथ याद कर लो आप, चाहे चमोली 2021 का याद कर लो, चाहे सिक्किम 2023 का याद कर लो, ये सभी ही सब जब आपके कनेक्टेड हैं किससे, ग्लोव से। तो याद रखना ICIMOD की रिपोर्ट जिसमें हिंदुकुश हिमालय के असेसमेंट रिपोर्ट निकाली गई थी, 9 मिलियन जॉब जो हाई माउंटेन एशिया में है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, उनके पास ये एक वल्नरेबिलिटी GLOF की बनी हुई है। अब समझ लो कॉजेज फ्लैश फ्लड के, तो सबसे पहले फ्लैश फ्लड में क्या होता है, फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट एंड सीजनल जो रिवर्स हैं ट्राइब्यूटरीज हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की बन जाती है, क्लाउड बर्स की समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है क्लाउड बर्स को प्रिडिक्ट करना। रेन स्टॉर्म्स की बात करोगे तो वहाँ पर एक्सट्रीम और हैवी रेनफॉल होगा, ह्यूमन इंड्यूस इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को कमीशन करना, सेमी सिटी लैंडस्लाइड दूसरे डिजास्टर्स को करना, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स अनप्लान अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से। देखो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़कर आ रहे हैं, अभी आप समझो कि अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर होने से क्या हो जाता है, फ्लैश फ्लड्स कितना ज़्यादा उसको ख़राब करती हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड एक्शंस की वजह से हमारे ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो फ्लड के मिटिगेशन मेजर्स तो लिए गए हैं हमारे देश में भी लिए गए हैं, तो NDMA की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो गाइडलाइन इशू करती है मैनेजमेंट कैसे फ्लड्स का करना है, कैसे स्पेसिफाई करने हैं सेंट्रल स्टेट एजेंसीज के रूल। तो NDMA ने कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई है, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग 2010 का हो चाहे फ्लड मैनेजमेंट हो। स्ट्रक्चरल मेजर्स कुछ उठाए गए हैं कि रिजर्वॉयर कैसे क्रिएट करना है, डिप्रेशन कैसे बनाना है, एम्बैकमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। फ्लड प्लेन जोनिंग करा गया है, मतलब डिमार्केट करे गए हैं, जोन डिमार्केट करे गए हैं बाय फ्लड्स के डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी वाले रीजंस क्या हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वहाँ पे पूरा कितना इंस्टॉल करना है, रियल टाइम अलर्ट ताकि लोगों को मिल जाए ग्लेशियर लेक्स का पहले ही। आपके यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के गाइडलाइंस जो है उसको पूरा बता रखा है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने पूरा पूरा बता रखा है कि किस तरह से आपको गाइडलाइंस के साथ चलना ही चलना है। तो NDMA का देखो गाइस काम ही यही है, ये सारी बातों आपको याद रखनी है पेपर लिखते वक्त भी, कि हैजार्ड एंड रिस्क मैपिंग करना, रिस्क रिडक्शन की मॉनिटरिंग मिटिगेशन देखना, अवेयरनेस प्रिपेयरनेस देखना, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सारा का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इनका होता है। तो मेजर्स डेट कैन बी टेकन या कौन से ऐसे मेजर जो ले जाने चाहिए या ले जा सकते हैं, उसमें सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट करो आप। बेहद ज़रूरी है कि वल्नरेबल जो रीजन्स हैं उनके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिस्क असेसमेंट किया जाए, चेक किया जाए कहाँ कहाँ पर ऐसे रिस्क फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, मॉनिटर करना है, डेटा कलेक्शन को चेक करना है, इंटेंस मॉनिटरिंग करनी है, मेटोलॉजिकल इवेंट्स को देखना है, ठीक है। फिर क्लाइमेट मिटिगेशन की बात अगर रही वो ध्यान में रखना है, टेक्नोलॉजी को चेक करना है, वल्नरेबल जो जोन्स हैं रिमोट सेंसिंग के या ज्योग्राफिक आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, लिडार टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए, लिडार का फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रिंगिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए वल्नरेबल जोन्स को बिल्कुल वहाँ पर जोनिंग कर दो इस चीज़ का। कलेक्टिव रेजिलियंस की बहुत ज़रूरत है कि आप सोशल कल्चरल हर तरह से ऐसी प्रैक्टिसेस करो जिससे एक रेजिलियंट कलेक्टिव रेजिलियंस बढ़ पाए। ग्रीन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना है, रिटेंशन बेसिन है, वेटलैंड्स हैं, वेजिटेशन हैं, ये सारे के सारे जो आपने करे हैं इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट आपके माउंटेन्स पे होते हैं डैम के फॉर्म में, ब्रिजेस के फॉर्म में, हाईवे के फॉर्म में, यहाँ पर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लिए जाएँ, क्योंकि अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में जरा सी गड़बड़ी होगी बने हुए अनप्लान्ड होंगे तो फिर आप देख लो तैयार रहना पड़ेगा हमें ग्लोशियल आउटबर्स्ट होगा। तो एपिक रिस्पॉन्स बेसिकली, एपिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या, इनेबल प्लान इन्वेस्ट कंट्रोल, EPIC का ये फुल फॉर्म है याद रखना। वर्ल्ड बैंक बेसिकली यहाँ पर आपका न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आया है कि कैसे मैनेज किया जाए फ्लड एंड ड्राउट रिस्क को। तो याद रखना एपिक यानी कि इनेबल प्लान इन्वेस्ट कंट्रोल, दिस इज हाउ गाइज यू ऑल्सो हैव टू राइट द आंसर। तो होपफुली आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब तो शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा लेती हूँ। देखो सबसे पहला शॉर्ट में दे रखा है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में। रिसेंटली देखो क्या हुआ, एक ना इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव में लॉन्च किया गया विद पार्टनरशिप विद देयर ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स। हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन है ये, यहाँ पर इसका काम यही है कि 125,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो शैलो वाटर में ट्रॉपिकल कोरल रीफ है उनको एक्सटिंक्शन, उनको बचाना उस चीज़ से। तो यहीं पर अचीव प्लान वगैरह बनाने के लिए कुछ आपके टारगेट्स तय किए गए कि लोकल जो ड्राइवर्स हैं लॉस मिटिगेशन पे उनका ध्यान रखा जाए, लैंड बेस्ड सोर्स ऑफ पोल्यूशन से बचाया जाए,
कन्विंग जो आपका मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, उसमें था कि 30% टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एरियाज में कंजर्व करके रखना है हमें बाय 2030 तक। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी $12 बिलियन की US डॉलर्स का लगा रखा है। तो कोरल रीफ्स बेसिकली बनता कैसे है, तो याद रखना टाइनी टाइनी जो आपके इंडिविजुअल कोरल्स होते हैं उसको पॉलिप्स हम कहते हैं, अपनी कॉलोनीज के थ्रू इसको बना लेते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इंडिया में कोरल रीफ्स प्रेजेंट है गल्फ ऑफ कच्च में, मनार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप आइलैंड में, यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव भी जो लिया गया है 1994 में, ग्लोबल पार्टनरशिप था कि कंजर्व करके रखना है। इंडिया भी इसका मेंबर है, 101 मेंबर्स इसके हैं बेसिकली, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फिनेंसिंग के बारे में। सस्टेनेबल फिनेंस का जो ये बेसिकली रिलीज होता है बाय UNSCAP, टाइटल था सस्टेनेबल फिनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशियन पैसिफिक। सस्टेनेबल फिनेंसिंग का गाइस मतलब पता होना चाहिए आपको कि ऐसा फिनेंस, यानी कि आपकी जो फिनेंसिंग सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ हैं उसका जो फिनेंस है वो ऐसा हो जो कैसा हो, मैनेजेबल हो, मतलब सफिशेंट कैपिटल हो, लिक्विडिटी होनी चाहिए आपके पास, कोई एक फिनेंसिंग गैप ना आए। एशिया पैसिफिक में इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट SDG बाय 2030, ऐसा इसमें निकल कर आया है, दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक। तो ओनली 17 ये कह रहा है कि 51 एशिया पैसिफिक कंट्री में सिर्फ 17 ही ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नीड्स को अपनी फुलफिल ठीक ढंग से कर पा रही हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे देखे जा रहे हैं मेंबर नेशन जहाँ पर एवरेज इकोनॉमिक लॉस डिजास्टर और नेचुरल हैजार्ड्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, हाई इमिशन सिनेरियो की वजह से इंडिया में, सोचो बताया जा रहा है कि इंडिया की 2100 तक हमारे 2100 जो हमारा ईयर होगा, 35% GDP लॉस हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। तो यानी कि हमें ज़रूरत क्या है, रिकमेंडेशन भी दी है कि हम जो नेट जीरो प्लेज हमने ली है 2050 तक वाली, उस पर कमिटेड रहें, पॉलिसी को और कोहरेंस करके बनाएं, सेक्टोरल काम करें, फाइनेंसिंग चीज़ों को अपनी कंसेशनल करके बनाएं, ठीक है। तो गाइस याद रखना है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, ये आप उसको ध्यान रखना, इंडिया इसका मेंबर पार्ट है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और शंघाई एंड बिकेम एस्केप ने 1974। तो ये आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा आपका कटिंग मिथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये भी ध्यान रखना, एक आर्टिकल आपका इसमें आया था। इसको रिपोर्ट को टाइटल कौन करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन UNEP और UNEP कन्वेंड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोलिशन ने भी ले रखा है, क्लीन एनर्जी को, ठीक है, क्लीन एयर कोलिशन ने भी ले रखा है। CCAC 2012 में शुरू हुआ था, ओनली इंटरनेशनल बॉडी है जो काम करती है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने में, जो शॉर्ट का याद रखना, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, मिथेन, ब्लैक कार्बन, ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन से सारे के सारे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखिएगा कि मिथेन मिटिगेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स को अवॉइड करने को बोला जा रहा है 2050 तक की 0.1 डिग्री सेल्सियस अवॉइड किया जाए, मिथेन मिटिगेशन प्लान बाय 2050 ताकि वो हम 1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स को ओजोन एक्सपोजर से बचा सकें, क्रॉप लॉसेस को हम बचा सकें, 85 बिलियन आर जो लॉस लेबर का हीट एक्सपोजर की वजह से होता है उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। याद रखो मिथेन को हम फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है, ग्रीन हाउस गैस है, ये 30% ग्लोबल वार्मिंग करती है, 580 मिलियन टन्स ऑफ मिथेन इमिट हर साल हो रहा है ग्लोबली, 7% जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आता है मिथेन, लैंडफिल्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने की वजह से, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मिथेन से रिलेटेड, कि मिथेन क्या सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो हाँ जी बिल्कुल है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे रिलेटेड जुड़े हमने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, चाहे वो ग्लोबल मिथेन प्लेज वाली बात हो COP 26 में जो हमने ली थी, चाहे वो हमारा गोबर हो गैलनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोआर्गो वाला, तो ये दोनों हमने यहाँ पर गाइड से रिलेटेड जरूर यहाँ पर ले रखे हैं। इसके बाद आप ध्यान रखो, हमें बोला जा रहा है सीमेंट इंडस्ट्री से डीकार्बोनाइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखो बहुत ज़बरदस्त सीमेंट इंडस्ट्री, लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, आप लगा लो आयरन एंड स्टील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इमिटर है आपकी ये सीमेंट इंडस्ट्री, 7% ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करती है। 2050 तक हमारा जो नेट जीरो का सपना है वो हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे जब हम सारे अचीवमेंट वाले काम करेंगे, और इंडिया आपको पता ही है फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बनाइजिंग कंट्री है। तो अगर हम इस तरह के चीज़ें करेंगे, ब्लेंडिंग सीमेंट का बोला जा रहा है कि शेयर बढ़ाया जाए, मिनिमाइज करा जाए लाइमस्टोन बाय यूजिंग अनदर सब्स्टिट्यूट, रिसाइकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करा जाए, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। दूसरा, इंडिया रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसीलिए सोचा कि इसको भी डिस्कस करा जाए। फॉस्फोरस याद रखना गाइस मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एनर्जी ट्रांसफरेंस में, न्यूट्रिएंट मूवमेंट करने में, स्ट्रांग रूट डेवलपमेंट करने में, इसका जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने में भी बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस का। हम ज़्यादातर ये कैडमियम लेडन डिपॉजिट वेस्ट अफ्रीका से इसको इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो याद रखो, फॉस्फोरस रॉक्स बेसिकली जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं वो दो स्टेट में ही हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। कई डिपॉजिट जो हमारे सेंट्रल पार्ट इंडिया, ललितपुर आपका उत्तर प्रदेश में, मसूरी साइक्लेन सिंक्लाइन और एक कुडफा बेसिन आंध्र प्रदेश में मिलता है। फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को लेके कंसर्न ये आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर फॉस्फोरस को एग्जिस्ट करता है विद कैडमियम, जो कि हैवी मेटल है, हुज रिमूवल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ही हैं जिसके पास ये मिलता है। हैंडफुल कंट्री क्यों बोला जा रहा है, बहुत कम कंट्रीज़ के पास फॉस्फोरस है, और ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा कंसर्न भी है। मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, चाइना है, अल्जीरिया, सिर्फ इन्हीं कंट्री के पास ही फॉस्फोरस मिलता है। अच्छा, हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फॉस्फोरस के? तो सबसे पहली बात है, इससे ना लार्ज वाटर बॉडीज़ को फॉस्फोरस ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज वगैरह की वजह से टॉक्सिक हो रहा है, हमारा एल्गल ब्लूम ख़राब हो रहा है फॉस्फोरस की वजह से। अच्छा, कैडमियम लेडन जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब वो सॉइल में डाले जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, और जब क्रॉप्स उसको एब्जॉर्व करती है, और हम उसका जब खाते हैं एज अ ह्यूमन बॉडी, तो हमारे यहाँ हार्ट डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को हो सकती है। तो फॉस्फोरस की पॉसिटी को रोकने के लिए कम कैसे, किस तरह से इसकी लाइक कम यूटिलाइजेशन हो, तो उसके लिए कह रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम किया जाए। हम लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल करें, मिनिमम अर्बन सीवेज करें टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस। ठीक है, ये सारे गाइस मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जो लगे थे मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा एक फिश मिंट है, इसका ध्यान रखना, हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसकी, हिमालयन फुटहिल्स में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान में, मेघालय में भी हैं ये, मणिपुर, असम में भी हैं। इसको फिश लाइक टेस्ट होता है, इसका स्मेल होता है, इसीलिए इसको फिश मिंट कहते हैं, क्योंकि ये रीग्रो हो सकता है अंडरग्राउंड राइजोजोम्स में, नया प्लांट बना सकता है जब भी डिस्टर्ब होगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की यही होती है कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ को, फीवर्स को, इंसेक्ट बाइट्स को, कफ को ख़त्म करता है ये, और आयुर्वेदा सिद्धा में इसका काफ़ी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो फिश मिंट एक इम्पॉर्टेंट एक आपको हर्बल प्लांट देखने को मिलेगा। एक मैनिस मिनिस्ट्रिया है, इसका भी याद रखना आप, एक तरह का न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है, पेंगोलिन है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है, ऑनली मैमल है जो कि इस पर स्केल्स कवर्ड है। चार स्पीशीज जो है ये आपके अफ्रीका में रहती हैं, चार स्पीशीज़ आपकी ये इंडिया में इंडियन पेंगोलिन में रहता है। आयुषियन स्टेटस इसका जो चाइनीज़ वाला, फिलिपिन सुंडा वाला है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडिया वाला इंडेंजर्ड है, सिर्फ इंडेंजर्ड है, वो वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो गाइज, ये जो आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। एक आप कामलेंग इसका भी समझ लो, टाइगर रिजर्व है ये। कामलेंग टाइगर रिजर्व के बारे में इतना समझ लो कि ये लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। कामलेंग रिवर की वजह से इसका नाम कामलेंग टाइगर रिजर्व पड़ा। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है यहाँ पर। कॉमन स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी आपको, अमारी, गमेरी। फौना में स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर है, हॉर्नबिल यहाँ मिलती है। ग्लो लेक भी इसी रिजर्व में पाई जाती है। तो याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ग्लो लेक कहाँ पाई जाती है, तो कामलेंग टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है। तो गाइस, दिस इज़ अबाउट योर एनवायरनमेंट सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल से करेंगे। होपफुली आपको एनवायरनमेंट सेक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।